नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सर्वनाम के भेद। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के छह भेद होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक, फिर होता है निजवाचक, फिर होता है निश्चयवाचक, फिर होता है अनिश्चयवाचक, फिर होता है संबंधवाचक और फिर होता है प्रश्नवाचक। दोस्तों, पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दोस्तों, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।